नमस्कार, MSW न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम भविष्य के डॉक्टरों का हमारे न्यूज चैनल में स्वागत करते हैं। आज मैं आपको कर्नाटका नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 के बारे में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज मैं आपको 5 कॉलेजों की कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 7 कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको दूसरे स्टेट की कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। अगर आप गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2400 नंबर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 300 नंबर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 367 नंबर की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर आप जो है यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 355 नंबर में जो है गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। यह हमने लोएस्ट मार्क्स बताए हैं जिसपे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा है तो आपका एडमिशन जो है आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं गोडक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है 410 नंबर की जो है ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 310 नंबर की जो है ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 363 नंबर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 383 नंबर की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके नंबर इससे कम है तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने नीट के लिए एक स्पेशल जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे जाकर चेक कीजिएगा। आपके बारे में आपके लिए बहुत खास इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अगर आप चमराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 370 नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 275 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 346 नंबर की कम से कम आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो 337 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप जो है चमराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं। यह एक प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए जो है इसकी कट ऑफ लिस्ट थोड़ी कम जाती है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं कम नंबर आने के बाद तो आपका जो है एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अगर आप करवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको 389 नंबर की जो है ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 281 नंबर में आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 372 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम भी आपको 372 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारी जो कट ऑफ लिस्ट है वो इस बार जो 2018 की कट ऑफ लिस्ट और 2019 के जो एग्ज़ाम हुआ उसका डिफ़िकल्टी लेवल और उसके जितने बच्चों ने दिया उसके जो है रेशियो के हिसाब से, साथ के साथ अब की बार जो सीटें इंक्रीज हुई है उसके हिसाब से बनाया गया है। अब आप रोडगी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अगर UR से बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 388 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 294, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 367 नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इससे जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 375 नंबर की कम से कम ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि सीटें जो है जल्दी भर जाती है। आपको जो है जल्दी से जल्दी अपना जो कॉलेज सेलेक्ट करना होता है वो आप अगर अच्छे से चॉइस से सेलेक्ट करते हैं तो आपका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कॉलेज किस प्रकार चुनना चाहिए इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने जो है कर्नाटका कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट के बारे में वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम इस वीडियो में नहीं है तो आपको उस वीडियो में जो नाम है उस कॉलेज का और उसकी कट ऑफ लिस्ट आसानी से आपको उस वीडियो